हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। ये DU की वेबसाइट पर एक नोटिफिकेशन आया है एग्ज़ाम्स से रिलेटेड। जैसे कि आप देख सकते हैं, इट्स ऑफ 4 जून 2020 का नोटिफिकेशन है। सब्जेक्ट में यहाँ पे आपको पता लगेगा कि ईयरली मोड, सेमेस्टर मोड, टर्म मोड, जितने भी स्टूडेंट्स हैं UG PG यानी कि ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन इंक्लूडिंग NCVEB एंड SOL, सभी स्टूडेंट्स के लिए नोटिफिकेशन है। ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन सभी स्टूडेंट्स के लिए। इस नोटिफिकेशन के मेन पॉइंट्स पे जाते हुए जो फर्स्ट बुलेट पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है कि 50% मार्क्स जो हैं आपके वो बेस्ड होंगे प्रीवियस सेमेस्टर या प्रीवियस ईयर में जो आपकी परफॉर्मेंस थी। इसका मतलब कि अगर आपका पिछले सेमेस्टर या पिछले साल जो जितने भी आपके मार्क्स आए थे उसके बेसिस पर आपको 50% मार्क्स में से जो आपकी मार्किंग होगी वो होगी। यानी कि अगर आपके पिछले सेमेस्टर में 70% मार्क्स हैं तो इस सेमेस्टर में आपको 50 में से, यानी कि अगर 100 मार्क का टोटल पेपर है तो उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा 50-50, और 50 में से आपको 70% मार्क्स जितना भी बनेगा, 50 का 70%, लेट्स से कि 35 बनता है, तो यानी कि आपके 50 में से 35 हो गए, और बाकी बचे हुए जो 50% होंगे उसके लिए यहाँ पे एक और टर्म दी गई है, फॉर स्टूडेंट्स ऑफ इंटरमीडिएट सेमेस्टर टर्म ईयर हैव नो प्रीवियस परफॉर्मेंस। अब जिन लोगों की सेकेंड बुलेट पॉइंट में बताया है कि जिन लोगों की कोई भी पिछली परफॉर्मेंस नहीं है, जैसे कि फर्स्ट ईयर वाले जो स्टूडेंट हैं, तो उन लोगों के लिए 100% असाइनमेंट बेस्ड इवैल्यूएशन होगा। सो दो मेन पॉइंट यहाँ पे बताए गए हैं। पहला ये कि अगर आपके पिछला कोई रिकॉर्ड कॉलेज के पास है पिछले सेमेस्टर का या पिछले ईयर का, तो 50% मार्क्स आपको उस रिकॉर्ड के बेसिस पर मिलेंगे और 50% आपके असेसमेंट असाइनमेंट के बेसिस पर मिलेंगे। आपको क्वेश्चन आपके कॉलेज की तरफ से प्रोवाइड करा दिया जाएगा, आपको एक टाइम पीरियड दिया जाएगा कि उस टाइम पीरियड में आपको अपने एग्ज़ाम जो असाइनमेंट है वो सबमिट करने हैं और उसके बेसिस पे आपको मार्क्स मिलेंगे। और जिन लोगों का पिछले सेमेस्टर का या पिछले ईयर का कोई रिकॉर्ड नहीं है, लाइक फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट, तो उन लोगों के लिए 100% असाइनमेंट बेस्ड इवेल्यूएशन है, यानी कि पूरा इवेल्यूएशन जो होगा वो असाइनमेंट के बेसिस पर होगा। देन यहाँ पर पूरा प्रोसीजर डिस्क्राइब किया हुआ है कि किस तरह से सेकेंड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स जो हैं ग्रेजुएशन के या पोस्ट ग्रेजुएशन के, उन लोगों को किस तरह से मार्क्स मिलेंगे। एक और चीज़ जो इसके बीच में इम्पॉर्टेंट बताई गई है वो ये कि जो एक्स स्टूडेंट्स हैं, यानी कि ऐसे स्टूडेंट जो री एग्ज़ाम दे रहे हैं अपना, या जो कंपार्टमेंट के या इम्प्रूवमेंट के एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, उन लोगों को ओपन बुक एग्ज़ामिनेशन के लिए अपीयर होना पड़ेगा, और उनकी डेट शीट जो है वो नोटिफिकेशन वेबसाइट्स पर, SOL, DU, NCVEB की वेबसाइट्स पर दे दिया जाएगा। और जितने भी लोग एक्स स्टूडेंट्स हैं उन सब लोगों को आकर अपना जो एग्ज़ाम है वो ओपन बुक एग्जामिनेशन देना होगा। जैसे कि यहाँ पे नोट में दिया हुआ है, एक्स स्टूडेंट ऑफ फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर ऑफ SOL NCVEB हैव टू अपियर इन एन ओपन बुक एग्जामिनेशन। सो यानी कि SOL और NCVEB के जो एक्स स्टूडेंट्स हैं फर्स्ट ईयर के या सेकेंड ईयर के, यानी कि जिनको जो दोबारा से एग्ज़ाम दे रहे हैं अपना फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर का, उन लोगों को ओपन बुक एग्जामिनेशन देना होगा अपना। फॉर स्टूडेंट्स ऑफ SOL ऑफ द फर्स्ट ईयर अंडर सेमेस्टर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन इन CBCS मोड स्टडी ऑफ एकेडमिक सेशन 2019, आगे उन स्टूडेंट के लिए जो SOL के फर्स्ट ईयर के सेमेस्टर मोड के स्टूडेंट हैं, CBCS के स्टूडेंट हैं, उन लोगों को, यानी कि जिनका सिलेबस चेंज हुआ है, उनकी गाइडलाइंस यहाँ पे दी हुई हैं कि, एंड यहाँ पे बोल्ड लेटर्स में लिखा है कि उनका फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर दोनों के एग्ज़ाम अलग अलग होंगे। रेगुलर वालों के फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम हो चुके हैं, उनका रिजल्ट भी आ चुका है, लेकिन SOL वाले स्टूडेंट के फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम नहीं हुए हैं, उनके फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम एक साथ होने थे, जो कि अब एक साथ एग्ज़ाम नहीं होंगे लेकिन एक साथ असाइनमेंट होंगे। यानी कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर के भी असाइनमेंट सबमिट करने हैं और सेकंड सेमेस्टर के भी असाइनमेंट सबमिट करने हैं। सो नेक्स्ट नोटिस, ऑल फर्स्ट एंड सेकंड ईयर एक्स स्टूडेंट UG PG ऑफ कॉलेजेस एंड डिपार्टमेंट SOL NCVEB शैल अपीयर इन OBE यानी कि ओपन बुक एग्जामिनेशन मोड एज नोटिफाइड ऑन 35/2020 and 1/6/2020 respectively as per date sheet notified for academic session 2019-20 along with the third year final year UG and second year final for PG। सो यानी कि वो स्टूडेंट जो एक्स स्टूडेंट हैं
अंडर ग्रेजुएशन के या पोस्ट ग्रेजुएशन के SOL या NC वेब के उन सब लोगों का फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट के साथ, अगर वो ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में है, उन्हीं के साथ उनके ओपन बुक एग्जाम्स होंगे। इसके अलावा जितने भी रिलेवेंट एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि इंटरनल असाइनमेंट, प्रैक्टिकल फील्ड वर्क, प्रोजेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब जो भी हैं नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप लोगों को फॉलो करना होगा। सो प्लीज़ कंटिन्यूसली स्टे इन टच विद दी DU एंड SOL वेबसाइट एंड NC वेब वेबसाइट। सो मेन पॉइंट यही है कि आपके एग्ज़ाम नहीं होंगे, 50-50% का असेसमेंट है, यानी कि जिन लोगों का पहले कोई रिकॉर्ड कॉलेज के पास है उनका 50% पिछले रिकॉर्ड के बेसिस पर और 50% असाइनमेंट के बेसिस पर, और जिन लोगों का पिछला रिकॉर्ड नहीं है उनका 100% असाइनमेंट के बेसिस पर। बट इट्स माय एडवाइस कि आप अपने एग्ज़ाम्स को, असाइनमेंट्स को इतना कैजुअली ना लें, वो असाइनमेंट्स भी आपको मार्क्स ही दिलवाएंगे। सो जस्ट टेक देम एज अ एग्जामिनेशन क्वेश्चंस।